नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माना है कि गुजरात चुनाव में केजरीवाल भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल गुजरात के बड़े शहरों में सक्रिय है, जबकि गांव और देहाती इलाके में कांग्रेस का जनाधार बरकरार है। उन्होंने कहा कि वे गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे और कौन से हलके में कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस कितनी सक्रिय है, इस बात का अंदाजा तो राहुल गांधी के हरियाणा में आने पर जोरदार स्वागत से ही लगाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 28 दिनों से धरने पर बैठे MBBS छात्रों को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़कर पॉलिसी को वापस ले ताकि मरीजों को भी नुकसान ना हो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि देहाती और गांव के इलाकों में कांग्रेस सक्रिय है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल गुजरात के शहरों में सक्रिय है, उससे ज्यादा नुकसान भाजपा को हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और इस बात का अंदाजा भाजपा इस बात से लगाएं कि हरियाणा में राहुल गांधी के आते ही जोरदार स्वागत किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 28 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों के इस पक्ष में बयान देते हुए कहा कि सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ दे और पॉलिसी को हर हाल में वापस दे ताकि मरीजों का भी नुकसान ना हो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में हुए पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव से साबित हो गया है कि भाजपा जजपा आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जीते हुए प्रत्याशी कांग्रेस के संपर्क में और भाजपा अपने गढ़ में ही हारी है। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास औलियान की रिपोर्ट। सर, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गुजरात में केजरीवाल केवल कांग्रेस को नुकसान कर रहा है, आप किस तरह से देखिए? मैं जाऊंगा गुजरात 1 तारीख को, फिर बताऊंगा आपको। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, जो गुजरात को मैं समझता हूँ, क्योंकि वहाँ केजरीवाल जी का जितना असर है शहरों में है, और शहर की सीट वहाँ भाजपा को है, गांव की सीट कांग्रेस की। जो पिछली बार चुनाव हुआ 77 सीट है, उसमें मेजोरिटी देहात की सीट कांग्रेस का आई, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा बात नहीं है। हाँ, कुछ उनका भी करेगा, कुछ कांग्रेस का भी करेगा। किसको कौन से हलके में किसको फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, मैं अभी नहीं कह सकता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह राहुल गांधी जी के रैलियां हुई और खड़गे जी की अभी जो रैली हुई, काफ़ी मासेस वहाँ दिखाई दे रही है, बहुत ह्यूज रैली है, तो उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? अंदाज़ा साफ है, आप हरियाणा में आएंगे राहुल गांधी, जब देख लेना पता लगे। नहीं, गुजरात में बताया, कांग्रेस में कांग्रेस मजबूत है वहाँ। पिछली बार भी बहुत 77 सीट आई थी, कोई छोटी बात नहीं है। बीजेपी की 99 आई थी, कांग्रेस की 77 आई थी, तो इनमें कांग्रेस मजबूत है वहाँ, मुकाबला है कांग्रेस का और बीजेपी का। सर, एक बात कही जाए, सर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, IMA भी उनके पक्ष में आ गया है, और आज निजी अस्पताल भी बंद थे, ऐसे में मरीज पिसता जा रहा है। भाजपा के नेता उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी ये जो प्रोटेस्ट है इसे वापस ले। क्यों भाजपा के नेता ये क्यों नहीं रिक्वेस्ट करे अपनी सरकार को कि ये गलत नीति इसको वापस ले? आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा तुरंत वापस कर देना चाहिए, ताकि अगर सरकार की भी जिम्मेवारी है मरीज को कोई तकलीफ होती है, क्यों फिर ये अड़ियल बना रखा है? अड़ियल रवैया अच्छा नहीं होता किसी चीज़ के लिए, पॉलिसी वापस होनी चाहिए तुरंत। जो साफ प्रतिक्रिया है, इनका सुफड़ा साफ है, बीजेपी का भी, JJP का भी, और आप पार्टी का भी, और ये INLO का भी। क्योंकि अगर इनका देखें, जितने ये इन्होंने लड़ाए हैं सिंबल पर, कांग्रेस के सिंबल पर नहीं लड़ाए, लेकिन कांग्रेस के चाहने वाले बहुत बने हैं, कभी सिंबल पर लड़ती नहीं पार्टी, क्योंकि भाईचारे का इलेक्शन होता है। बीजेपी को 5% और इसको आप पार्टी को और JJP को न INLO को 3%, कितने हुए? 3, 3, 6, 5, 11, बाकी जो 89% इंडिपेंडेंस को दिए। नहीं, इससे क्या? लेकिन बीजेपी कह रही है कि उसके 200 से ज़्यादा कैंडिडेट विजयी हुए हैं और ज़्यादातर जो चेयरमैन हैं उसके बनेंगे। सिंबल क्यों नहीं दिए फिर उन्होंने?
उनके कहाँ से आ गए, उनके तो 108 कितने कैंडिडेट थे, उन्होंने 22 जीते हैं, 102 थे या 108 थे पता नहीं, लेकिन कुल 22 जीते हैं, मतलब 5% उनको मिली है कामयाबी, क्योंकि टिकट बीजेपी ने तोल के दी, वहीं दी थी जहां वो अस्वस्थ थे भाई हम जरूर जीतेंगे, वहीं कच्चा खा गए। सर बीजेपी कह रही है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं वो उनके संपर्क में हैं, और यदि हरियाणा का विकास करवाना है तो ट्रिपल इंजन की सरकार होना जरूरी है, यानी कि वो लोग भी उन्हें समझ, फिर सब सिंबल पे लड़ना चाहिए था ना, सिंबल इनके, इनको ये कोई नीति क्या हुई, 108 हम सिंबल पे लड़ेंगे, बाकी सिंबल क्यों, इनको उम्मीदवार ही नहीं मिले। क्या आपके संपर्क में भी हैं सर? हाँ बहुत है, अभी आज भी हैं, बहुत सारे हैं। सर 89% आप बता रहे हो, तो क्या 2024 का ये ट्रेलर है? हाँ ट्रेलर ही है, मैं तो पहले कह चुका कि 2024 में क्लीन स्वीप जो है कांग्रेस के हित में आएगा, क्लीन स्वीप। और सब जेजेपी रैली करने जा रही है और लोगों के बीच में एक बात लेके जा रही है कि हम थोड़ा मायूस हैं कि हम 5100 रुपये पेंशन नहीं दे पाए क्योंकि हम मजबूर हैं, इसको किस तरह से देखें? कौन सा वायदा उन्होंने पूरा किया है? अरे 3 साल हो गए आज तक इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया, क्योंकि गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हुआ, ये स्वार्थ के आधार पर हुआ है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।